केस के ऑफिशियल भाई को सजा। तो आइए जानते हैं सूर्य से भाई को कितनी साल की सजा हुई। बाप रे इतना जल्दी, लगता है अभी सेक चल रहा है अभी सेक के साथ। इस खबर के बाद विवेक पाए गए मुंबई के किसी चिंगी कोठे में फ्री में देसी दारू पर मुजरा करते हुए। बॉलीवुड के बुझे हुए चिराग, भाई को बेल हो गई है, पैंट संभालो कल खोलेंगे आके। तो इसी खबर के बाद अरिजीत ने अपना नया सोलो निकाला सलमान भाई को डेडिकेट करते हुए। जो भेजी थी गोली वो जाके ब्लैक बॉक्स से टकरा गई के आ गई है कोर्ट की सदा। ओहो अरिजीत भाई में ये टैलेंट भी है, हमें तो लगता था कि सिर्फ इसमें हरे आशिकों की गाना आता ही नहीं। तो आइए आपको दिखाते हैं जोधपुर के जेल से भाई के नए घर में गृह प्रवेश का सीधा प्रसारण। तो ये वीडियो के बाद हिरन पाए गए घास के नशे में दूध नाचते हुए। डुप्लीकेट ने गुजारिश की कि सलमान भाई को छोड़ दी जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए। तो आइए देखते हैं इस लुनबुड्डी का क्या कहना है। आपके मेरे सलमान खान जेल में हो और मैं बाहर हूँ, ये नाइंसाफी है। अबे नाक तो तुमसे साफ होती नहीं होगी, नाइंसाफी की बातें कर रहे हो। जिस तकलीफ में से वो गुजरे मुझे उस तकलीफ में से गुजरना है। मुझे ये जेल खोलिए और मुझे अंदर भेजिए, डालिए मुझे अंदर, डालिए। शुक्र है ऐसे चुतियों का कि हमें कंटेंट प्रोवाइड करते रहते, वरना हमारा क्या होता। चलिए आगे के खबरों पे ध्यान देते हैं। तो चुतियों के अनुसार भाई को जेल में आसाराम बापू के साथ रखा जाने वाला, और ये सुनने के बाद आसाराम बापू की सोई हुई लुली जाग उठी है और वो पाए हवस के नशे में नंगा नाच करते हुए। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो फाइनली लगता है अब सलमान भाई की वर्जिनिटी चली जाएगी, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसे जाएगी। भाई ने अपने फैंस को खुश करने के लिए अपने आने वाली फिल्म दबंग 3 का लेटेस्ट पोस्टर पुलिस स्टेशन से ही रिलीज किया। लेकिन भाई ये पोस्टर तो वांटेड में भी था ना। हाँ लेकिन बेटा फर्क सिर्फ इतना था कि वो अंडरग्राउंड पुलिस थे। भाई की जेल की खबर आते ही फेसबुक पे देखा गया मेमे का सैलाब। मार्क जुकरबर्ग ने घोषित किया भाई भाई दिवस। नौजवानों ने भाई भाई के नारे लगा के अपना समर्थन पेश किया। सलमान खान की बेल मंजूर कर दी गई है। ब्लैक बक ने अभी अभी स्वर्ग से ईमेल भेजा कि इट वाज अ सुसाइडल अटेम्प्ट, तो सलमान को छोड़ दिया जाए। तो जैसा कि आप सबने सुना सलमान भाई की बेल मंजूर कर दी गई है, और ये सुनने के बाद दुनिया भर के हिंदुओं का ये रिएक्शन था। मेरे बारे में इतना मत सोचना, कोर्ट में आता हूँ जेल में नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी, और प्लीज ऑफेंड मत होना यार, मैं कोई सलमान का हेटर नहीं हूँ। अब यार तुम लोग हेट करो या सपोर्ट, पर तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। विजय माल्या इतना बड़ा घोटाला किया फरार, नीरव मोदी उसने भी घोटाला किया फरार, और ऐसे बहुत से लोग जो इंसानों का खुलेआम कत्ल कर देते हैं वो भी फरार, तो क्या भाई का जेल जाना सही है? मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ जेल में गया कौन, भाई भाई। बेल मिली किसे, भाई भाई। विवेक के एल किसने लगाए, भाई भाई। कटरीना का करियर किसने बनाया, भाई भाई।